आज जो किन्नौर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह यह है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 12 साल से काम को अंजाम दे रहा हूँ एक कार्यकर्ता बनकर, और मैंने कभी किसी और पार्टी का कोई झंडा उठाया नहीं। मेरी ये पहली पार्टी है और इंशाल्लाह आखिरी पार्टी रहेंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में आने का एक ही वजह थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इन्होंने जो काम को अंजाम दिया, जो इत्तेहाद लाए लोगों में, कौम में, दलित भाइयों में, जो मिलकर काम कर रहे, इस वजह से मैंने भी सोचा कि भाई मजलिस के साथ में रहकर काम करना। और ऐसा काम किया हमने कि दवाखाना हो और पोलिटेशन हो और जो भी काम है, हमने काम को अंजाम दिया। और इससे पहले भी मेरे सदारत में मुझे माहौर का प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर एक सीट चुनकर लेकर आए, मगर आज ऐसा टाइम आ गया कि मेरे पास अभी भी एक लेटर है कि मुझे तालुका सदर बनाया गया था। और तालुका सदर बनाने के बाद मुझे ना कोई इंटीमेशन दी गई निकालने के टाइम पे, ना मुझे कोई नोटिस दी गई, मुझे ऐसा निकाल कर फेंक दिया कि मैं पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ। इस वजह से कि वहाँ पर नांदेड़ के अंदर फेरोज लाला जो जनरल सेक्रेटरी है मराठवाड़े के, और मिर्ज़ा अमजद बेग और कलीम रमजानी, ये तीनों ने अपनी खुद के ऐसा लग रहा है कि खुद मर्जी चला रहे हैं और पार्टी में ही अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे क्यों निकाला गया, इस वजह से कि यहाँ पर एक आदिलाबाद में एक आदमी रहता है जिसके क्लब और जुआ चलता है, तो मैंने उसको फ़ोन किया था कि भाई ये जुआ और क्लब हमारे किन्नौर तालुके में तुम्हारा नहीं आना, वरना मैं इसलिए आंदोलन करूँगा बहुत बड़ा तुम्हारे इसके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो आज जो तालुका सदर जिसको बनाया गया है, फेरोज लाला, कलीम रमजानी और मिर्ज़ा अमजद बेग ने, उस इंसान ने इनको मिलकर, वो राष्ट्रवादी से आए वाला है और 3-4 पार्टियां छोड़कर आए वाला है, तो इन्होंने जो काम किया कि भाई अपने क्लब और मटके के लिए आंदोलन होएगा, इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट मिर्ज़ा बेग को बात किया नांदेड़ के अंदर। और लोगों में ऐसी चर्चा है और इंशाल्लाह उसके भी सबूत दूंगा मैं कि अमजद मिर्ज़ा बेग ने 1 लाख रुपए लेकर इसको तालुका सदर की पद दी गई यहाँ पे किन्नौर के अंदर। तो हमारा ये बोलना है कि मिर्ज़ा अमजद बेग को मैंने फ़ोन किया कि भाई क्यों मुझे बात बताए नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं, मेरा काम अगर क्या गलती हुई मेरी, ये तो बताना था। तो मिर्ज़ा अमजद बेग ने कहा कि मुझे किसी का फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा कि भाई जिला सदर पर क्यों है आप लोग, क्यों बने? और मैंने फेरोज लाला को भी फ़ोन किया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं वो हो गया। मैंने कहा कि भाई मुझे तो बताना था, मुझे तो भरोसे में लेना था।